बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप में आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डेजर्ट लेकर आई हूँ। आप लोगों ने फ्रूट चाट तो खाई होगी, ठीक है, बनाई भी होगी, लेकिन इस तरीके से ना खाई होगी और ना ही बनाई होगी। तो ये सारे फ्रूट जो है हमारे कैमरामैन जो है आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा, अगर इसके अलावा भी आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, कीवी होगी, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मौसमी फ्रूट जो भी हो, जैसे कि आजकल सर्दी है तो सर्दियों में जो भी फ्रूट अवेलेबल थे मैंने उसको इस तरीके से एक साइज़ में आपने काट लेने, ठीक है, क्यूब्स में इस तरीके से आपने काट लेने। और साथ में यहाँ पर मैंने क्या लिया है, नट्स ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने किशमिश ली है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, पिस्ता ले लिए। आपके पास अगर पिस्ता और काजू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बादाम और किशमिश भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं अंगूर। अंगूर को मैंने छुपा के रखा ताकि कोई उठा ना ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन तकरीबन आधा किलो दही ली थी, लेकिन आधा किलो दही में से मैंने एक प्याली साइड पे कर दी है, बाकी ये दही ले ली है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है जी पीसी हुई चीनी, ठीक है, जिसको कैस्टर शुगर भी कहा जाता है, और इसको आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तकरीबन तो मैंने ले लिया 3 चम्मच, ये हम सारी नहीं ऐड करेंगे, मैंने वैसे इसको पीस लिया है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम ऐड करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, आप कोई भी ले लें, ग्लास का ले लें, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो इस तरह हम पोर्शंस में जो है ना डालेंगे, सेब एक साइड पे सेब आ जाएंगे। इतनी कोई मज़े की बनेगा ना डेजर्ट, क्या आप भी कहेंगे वाह वाह वाह, क्या कमाल की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ये बीज जो है ना, ये क्यों आ गया बीच में, इसको निकाल देते हैं, ठीक हो गया। साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे अनार, ठीक हो गया, बहुत ही एहतियात के साथ ताकि नीचे नहीं गिरे, मतलब झटपट से तैयार हो जाएगी। ये भी नहीं है कि आपने कोई बड़ी इसमें चीज़ें डालनी है, फ्रूट शॉप पे जाएं, फ्रूट सारे ले आएं, ठीक है, उसके बाद काटना है उसको, और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल सारी जो है वो ट्रे रेडी कर लेनी है, सारे फ्रूट लगाने। अच्छा, अगर आपके पास, मेरे पास ना अभी जो ओवर वाली ट्रे थी वो टूट गई है, मेरा इरादा था कि मैं उसमें बनाती लेकिन वो टूट गई है अचानक ही, तो मुझे मजबूरन इसमें बनाने लगी बनानी पड़ी है, ठीक है। अगर आपके पास ओवल में है ना, ओवल शेप में, तो आप उसमें अगर इन फ्रूट्स को रखेंगे ना तो जो उसकी लुक आनी है ना, आहा हो जानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दही ले लिया मैंने एक बाउल में, ठीक है, तो अभी ये फेंटी हुई नहीं है, तो आपने एक विस्कर ले लेना है, विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि इसमें जो भी ये क्या कहते हैं फटकड़ियाँ जो भी होती हैं, समय तो आ गई ना हम लोगों को, इसको अच्छे तरीके से घुमा लेना ताकि ये एक यकजा हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगी, और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो है चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड करेंगे। जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिनको इतना नहीं पसंद है वो इतना ना डालें। और उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच मायोनीज, ठीक है, इसको मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रही, थोड़ा कम ही हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर पता नहीं हमारी मार्केट में क्या हुआ है कि मुझे कोई भी मिल पैक क्रीम या ऑल पर्स की क्रीम नहीं मिली है, तो इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, लेकिन अगर आपके पास हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है वो इसमें नमक हम शामिल कर देंगे, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से जब आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की इसकी जो है ना टेस्ट आएगा, जब आप खाएंगे और आपके मेहमान खाएंगे ना तो तारीफ लाजमी करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये देखें जी इसकी फाइनल लुक, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, जरा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ठीक है, थोड़ा मतलब क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। अगर इसमें ऑल पर्स की क्रीम डाल लेंगे ना तो क्या ही बात है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, खैर पानी तो आता ही रहेगा ऐसी चीजें देख के आप लोगों के भी आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ ना, इसके ऊपर हमने इस तरीके से डालना है, ठीक है, इस पूरे फ्रूट को अब हमने क्या करना है, कवर करना है इस मिक्सचर से, ये जो हमने तैयार किया है इस तरीके से, आप देखें इसके ऊपर बहुत ही एक फुल क्रीमी लेयर जब आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हम काली मिर्च को स्प्रिंकल करेंगे ताकि खूबसूरती लगे दिखने में, ठीक हो गया, खूबसूरती नहीं लगे खूबसूरत लगे, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम डालेंगे इसमें किशमिश,
डूब रही है बच्चे, किशमिश जो है ना तैरियां लगा रही है। ये देखें इस तरीके से आप इसमें करेंगे ऐड। उसके बाद बादाम, बादाम हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। फिर हम ऐड करेंगे काजू, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये जो है। उसके बाद पिस्ता, पिस्ता जो है ना वो ग्रीन ग्रीन है ना, तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी इसकी ना लुक आएगी, ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा और खाने में भी और देखने में भी बहुत ही लाजवाब। ये मैंने सब चीज़ें जो है वो तैयार कर ली हैं, तो इसकी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने, आप इसको इस तरीके से जो है मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। बहुत ही एहतियात के साथ जो है हम उठाएंगे इस तरीके से और डिस्प्ले करेंगे इस साइड पे, और फिर मेहमानों को कहना हुन तुसी एक साइड तो ना चुको, हुन तुसी दूसरी साइड पे भी चुक लो, ठीक है ना। तो ये देखें ये आपके सामने, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है आप हर तरफ से जो है वो ले लें। ये देखें इस तरीके से जो है वो आप खा सकते हैं, इस तरीके से पेश नहीं करना। वो कहेंगे अनार ज्यादा पाए रहते ना का सेब सी नहीं, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको खा लेना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आप लोग भी खा लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।